सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया 6 2018 की, जिसका नाम नोकिया ने रखा है नोकिया 6.1। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके फीचर्स पे नजर डालते हैं। ये डिवाइस आपको ऑफलाइन मार्केट में 16,500 रुपए में मिल जाएगा। ऑनलाइन मार्केट में ये अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास डिवाइस है और हमारे पास इसका ब्लैक कलर है। गाइस, ये है हमारा डिवाइस। ये 8.15 mm थिक है और 172 ग्राम्स का है। इसकी बॉडी के अंदर हमें 6000 एल्यूमिनियम सीरीज मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं हाथ में होल्ड करने में काफी सॉलिड फील देगा। हमारे पास इसका ब्लैक कलर है, वैसे आपको ये व्हाइट कलर और ब्लू कलर में भी अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ऊपर हमारे पास कॉपर से हाईलाइटिंग दी गई है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। सारे बटन्स के ऊपर हाईलाइट है, पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर, और बैक साइड में कैमरा पैनल के ऊपर हाईलाइट है, फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर हाईलाइट है, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस कलर के लिए जाना है। वैसे मुझे इसका ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगा था, उसके ऊपर हमें गोल्ड कलर से लाइनिंग मिल रही है, जो कि देखने में उसको बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। डिवाइस काफी सॉलिड है। नोकिया के डिवाइसेस हमेशा से अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और आप इस डिवाइस में उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। डिवाइस देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। ये आज तक का सबसे सॉलिड डिवाइस है जो मैंने अनबॉक्स किया हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है और जब आप इसको हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको काफी अलग से फील आएगी। अगर हम इसको कंपेयर करें नोकिया 6 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि साइज में थोड़ा सा छोटा है ये उससे। और वैसे अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो सेम है, दोनों की डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बैक साइड में हमारे पास इसमें कालजीज का कैमरा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड में आ गया है। बाकी काफी हद तक डिवाइस एक जैसा है देखने में, लेकिन फ्रंट में आपको बीजल्स थोड़े से कम लगेंगे। देखने में दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आइए इसके इंटरफेस की बात करते हैं। अगर हम डिवाइस के इंटरफेस की बात करें तो फ्रंट में हमारे पास 5.5 इंच की स्क्रीन दी गई है IPS LCD, उसके ऊपर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। टॉप साइड में हमारे पास EOP से कुछ सेंसर्स हैं, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उसके साथ नोकिया की बैजिंग। चिन साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की। बॉटम साइड में हमारे पास स्पीकर्स है, उसके साथ USB पोर्ट है जो कि टाइप सी पोर्ट है, उसके साथ माइक्रोफोन। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड कॉपर कलर बटन के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है। टॉप साइड में हमारे पास 3.5 mm हेडफोन जैक है और लेफ्ट साइड में हमारे पास सिम स्लॉट है, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। उसके अंदर आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 128 GB तक का। इसके अंदर आपकी जियो सिम भी आराम से चलेगी। बैक बॉटम में आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 1 लिखा गया है, उसके साथ मेंशन है कि ये फिनलैंड में डिजाइन किया गया था और ये मेड इन इंडिया डिवाइस है। उसके ऊपर हमारे पास नोकिया की बैजिंग है, उसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके ऊपर हमारे पास कैमरा सेटअप है जो कि कालजीज का कैमरा यूज किया गया है इस डिवाइस के अंदर, और 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ ही डुअल टोन LED फ्लैश, और सबसे ऊपर हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है। आइए बॉक्स की बाकी चीजों पर नजर डालते हैं। ये हमारी इजेक्शन पिन, ये हमारी क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड्स, ये है हमारा ट्रेवल अडैप्टर। इसके अंदर हमें फास्टर चार्जर मिलता है और कंपनी के क्लेम के हिसाब से यह आपकी बैटरी को 50% तक चार्ज कर देगा सिर्फ 30 मिनट्स में। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें 3000 mAh की बैटरी मिलती है। देखा जाए तो 5.5 इंच की स्क्रीन में 3000 mAh की बैटरी फास्टर चार्जर के साथ अगर आपको मिल रही है तो काफी अच्छी चीज है। ये हमारी USB केबल, जिसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। ये हमारे ईयरफोन्स, जो कि काफी ठीक क्वालिटी के लग रहे हैं। इसके अंदर हमें साथ ही इसके अंदर हमें नोकिया OZO ऑडियो मिलता है, जिससे कि आपको काफी अच्छी साउंड मिलती है।
आइए जल्दी से डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर हमें फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, आइए उसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है और इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो हमको 5.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है 403 PPI के साथ और साथ ही गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। और आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमारा सेटअप हो चुका है जो कि काफी ठीक लग रहा है। ज्यादा क्विक नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन काफी ठीक है। इस डिवाइस के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 ऑक्टाकोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ एडिनो 508 के ग्राफिक्स, साथ ही एंड्रॉइड 8। इसके अंदर मुझे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि इस बजट के अंदर हमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर हमें एटलीस्ट 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिलनी चाहिए थी। आइए इसकी साउंड पे नजर डालते हैं। अब देख सकते हैं इसकी साउंड ठीक आ रही है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन काफी ओके टाइप्स आ रही है। इस डिवाइस के अंदर हमें वाईफाई, ब्लूटूथ 5, NFC, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, ई कंपास, गायरोस्कोप और हॉल सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आइए डिवाइस के कैमरा पे नजर डालते हैं। 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके अंदर आपको कार्ल ज़ीस लेंस मिलता है जिसका F2 है और 1.0 माइक्रोमीटर का पिक्सल साइज है। फ्रंट कैमरा में हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसका F2 है और उसका 1.12 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें डुअल मोड मिलता है, जिससे आप फ्रंट एंड बैक दोनों की पिक्स एक साथ ले सकते हैं और वीडियो भी ले सकते हैं। साथ ही पिक्चर इन का भी हमें ऑप्शन मिलती है, जिससे कि आप बैक कैमरा के अंदर छोटी सी आपकी एक पिक आ जाएगी फ्रंट कैमरा की, आप इसी मोड में वीडियो भी ले सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसके बाकी फीचर्स की बात करूं तो आपको मिलता है HDR मोड, पैनोरमा शॉट, ब्यूटी मोड, लाइव वीडियोस, टाइम लैप्स, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग और साथ ही आप इस डिवाइस के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसके अंदर शटर कंट्रोल, वाटरमार्क और लोकेशन टैग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आइए इसके कुछ पिक्स पे नजर डालते हैं। हमने इसमें HDR मोड ऑन करके पिक्स ली हैं, बुके इफेक्ट में पिक्स ली हैं, नॉर्मल मोड में भी ली है। आप देख सकते हैं इसकी पिक्स काफी बढ़िया आई हैं। आप देख सकते हैं इसकी पिक्स काफी अच्छी आई हैं। सो गाइस, ये था हमारा डिवाइस Nokia 6 2018, जो कि काफी बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, काफी सॉलिड लगेगा डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में। इसके अंदर मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि इसके अंदर हमें सिर्फ 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी का वेरिएंट ही मिल रहा है, वो भी 16,500 में। मेरे हिसाब से 4GB रैम तो नोकिया को एटलीस्ट प्रोवाइड करनी ही चाहिए थी। बाकी देखा जाए तो डिवाइस क्वालिटी वाइज और डिजाइन वाइज बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, फीचर्स भी आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं, आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑफलाइन मार्केट में ही खरीदना पड़ेगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द वापस आएंगे और भी वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।